झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। भारत बंद से बेखबर किसान खेतों में करते रहे अपना काम। कृषि बिल के विरोध में भले ही सड़कों पर राजनीतिक दल आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन इससे बेखबर किसान नियत की तरह खेतों में डटे रहे। जिले के कई क्षेत्रों के किसान ने भारत बंद से दूर रहते हुए कहा कि उन्हें बंद से कोई लेना देना नहीं है, काम नहीं करेंगे तो हमारी फसल ही नष्ट होगी, इससे फायदा नहीं नुकसान ही होगा, सो हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। सतगांव के किसान विजय राम मदन राम ने अपने खेत में काम करते हुए कहा कि उन्हें बंद से कोई मतलब नहीं है, काम से ही किसानों की पहचान है। मरकच्चों के किसान महेंद्र प्रताप सिंह, भोला सिंह, सुनील सोनी, बलेश्वर दास खलियान में धान समेटने में काम में जुटे थे। किसान महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि भारत बंद से किसान को ही नुकसान होगा, संपूर्ण भारत में किसानों द्वारा पैदा की हुई सब्जी बाजारों में बिक रही है। यह खबर है दुमका जिला से। 58 पेटी नकली शराब के साथ 5 युवक गिरफ्तार। हंसडिया थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह दुमका हंसडिया हाईवे पर रामगढ़ मोड़ के पास अवैध तरीके से शराब लेकर बिहार जा रहे पिकअप वैन के चालक समेत 5 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग धनबाद जिले के कतरास के रहने वाले हैं। जब्त की गई शराब नकली बताई जा रही है। अब खबर जाने लातेहार से। लातेहार में बंद कराने के लिए सड़क पर उतरे झारखंड के पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम। किसानों के भारत बंद पर मंगलवार को जमकर राजनीति हुई। किसानों की अपील को दरकिनार करते हुए झारखंड में सत्तारूढ़ दल ने नेता और कार्यकर्ता झंडे बैनर के साथ सड़कों पर उतरे और जबरन दुकान को बंद करवा दिया। सड़क जाम की यहां तक कि रोड पर बांस बलिया से बैरिकेडिंग करके छोटे वाहनों को भी चलने से रोका। यहां तक के नेशनल हाईवे को भी जगह जगह पर जाम कर दिया गया। भारत बंद और किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यह खबर है पश्चिमी सिंहभूम से। चंपुआ में सड़क पर बांस बल्ली व बैनर लगाकर जबरन रोका गया यातायात। कृषि कानून के खिलाफ मंगलवार को आयोजित भारत बंद के दौरान चंपुआ के बस स्टैंड चौक में कांग्रेस और बीपीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर बांस बल्ली व बैनर लगाकर रोड जाम कर दिया गया। चार पहिया वाहन बस एवं ट्रक को रोक दिया गया। इससे चंपुआ बस स्टैंड में पहुंचे यात्रियों की असुविधा झेलनी पड़ी। लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक जा नहीं पाए। इधर जेतगढ़ में बैंक, दवा दुकान व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहे। धार्मिक संगठनों ने कहा पूरा देश किसान के साथ है, सरकार को यह काला कानून वापस लेना ही होगा। रांची में कृषि कानून के खिलाफ में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मुस्लिम व सिख संगठनों ने भी जुलूस निकाला और किसानों को अपना समर्थन दिया। सिख संगठनों ने जहां मेन रोड गुरुद्वारा से अल्बर्ट एक्का चौक तक तो मुस्लिम संगठनों ने एकारा मस्जिद से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकाला। गुरुद्वारा श्री नानक सत्संग सभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह वेदी ने बताया कि यह जुलूस केवल दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए नहीं है, बल्कि राज्य और देश के सभी किसानों के लिए है। उन्होंने कहा कि झारखंड के किसान इस बिल से होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। सेल और बीएसएनएल के 56,000 कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर 17 दिसंबर को होगी बैठक। बीएसएल सहित सेल कर्मियों के वेज रिवीजन को लेकर सेल प्रबंधक व एनजीसीएस की वर्चुअल मीटिंग 17 दिसंबर को होगी। बैठक सुबह 11 बजे से होगी। बीएसएल के 9,500 सहित सेल के 56,000 कर्मचारियों को वेतन समझौता जनवरी 2017 से लंबित है। वेतन समझौता को लेकर सेल प्रबंधक व एनजीसीएस की पहली वर्चुअल मीटिंग 9 नवंबर को हुई थी। बैठक में एनजीसीएस नेताओं ने सेल प्रबंधक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एनजीसीएस के नेता वेतन समझौता को लेकर बीएसएल सहित पूरे सेल में हड़ताल तक की चेतावनी दे रहे हैं। अब जाने थोड़ी खबर ट्रेन अपडेट से, तो आइए चलिए जानते हैं खबर क्या है ट्रेन अपडेट से। हटिया से खुलने वाले कई स्पेशल ट्रेनों के ठहराव और समय में हुआ बदलाव।
दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के तहत राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से खुलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों के ठहराव और समय में बदलाव हुआ है। वहीं रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के समय में भी बदलाव हुआ है। अब खबर जाने देश विदेश से। भारत बंद के बीच कृषि मंत्री तोमर ने शेयर किए नए कृषि कानून के मुख्य बिंदु। किसान संघों के भारत बंद के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानून के मुख्य बिंदु शेयर किए हैं। उनके अनुसार आवश्यक वस्तु कानून के तहत फसलों को लेकर किसानों की अनिश्चितता खत्म होगी और बर्बादी पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा MSP व मंडियां जारी रहेंगी, किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे। गुजरात में जबरन दुकानें बंद कराने पर होगी गिरफ्तारी। CM बोले गुजरात खुला रहेगा। किसान संघ के भारत बंद के मद्देनजर गुजरात पुलिस ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है और मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सोमवार को कहा है कि गुजरात खुला रहेगा। पुलिस ने कहा कि जो कोई भी जबरन दुकानों व व्यापारों को बंद कराएगा और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हानि पहुँचाएगा, केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। धान और गेहूं के बीच का अंतर पता है। खुद को सेवादार कहने पर केजरीवाल से अमरिंदर सिंह बोले। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों से मिलने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा खुद को सेवादार कहे जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि क्या वह धान और गेहूं के बीच का अंतर जानते हैं। CM सिंह इसे ढकोसला बताता हुआ कहा अपने इस मुद्दे पर विधानसभा का सत्र तक नहीं बुलाया। खबर के मुताबिक किसान आंदोलन व COVID-19 के मद्देनजर अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी सोनिया गांधी। बतौर खबर के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किसान आंदोलन व COVID-19 के मद्देनजर 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर सोनिया गांधी फिलहाल गोवा में है, जहाँ राहुल गांधी भी उनके साथ है। गौरतलब है कि आंदोलन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। PM मोदी बोले मोबाइल प्रौद्योगिकी से COVID-19 टीकाकरण अभियान से मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मोबाइल प्रौद्योगिकी से भारत को दुनिया के सबसे बड़े COVID-19 टीकाकरण अभियान में से एक को शुरू करने में मदद मिलेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि 5G को समय पर लॉन्च करने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में BJP कार्यकर्ताओं व पुलिस में झड़प, पार्टी का दावा एक कार्यकर्ता की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कथित भ्रष्टाचार और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध से सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल राज्य सचिवालय की ओर जा रही BJP कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस के प्रदर्शनकारी पर वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने दावा किया है कि इस दौरान एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पेट्रोल की कीमत अधिकतम 40 रुपया प्रति लीटर होनी चाहिए, इससे अधिक दाम भारी उत्पीड़न है, स्वामी बोले। BJP नेता व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ट्वीट कर लिखा 90 रुपया प्रति लीटर की कीमत पर इसकी बिक्री सरकार द्वारा जनता पर भारी उत्पीड़न है। उन्होंने लिखा रिफाइन से निकलने के बाद पेट्रोल की कीमत 30 रुपया प्रति लीटर होती है, बाकी 60 रुपया में सभी टैक्स व पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन है होता है। इसकी कीमत अधिकतम 40 रुपया प्रति लीटर होनी चाहिए। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हरियाणा के CM खट्टर। किसान आंदोलनकारी द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। गौरतलब है कि मंगलवार को करनाल में प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले सभा स्थल पर लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के कारण खट्टर को अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। मतदाता सूची में नाम न होने पर वोट नहीं दे सके केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीना मंगलवार को राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में वोट नहीं दे सके। दरअसल बात यह हुई कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। 2018 में CEO का पद संभालने वाले मीना ने कहा मैंने अन्य अधिकारियों से भी पूछा, उनमें से कुछ अन्य अधिकारियों के भी नाम नहीं थे।
मुकेश अंबानी ने ऐलान किया, जियो 2021 की दूसरी छमाही में लॉन्च करेगी 5G सर्विसेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बताया गया कि जियो 2021 की दूसरी छमाही में 5G सर्विसेज लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा कि जियो का 5G देश में विकसित नेटवर्क हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट पर चलेगा। बकौल अंबानी ने इसे जल्दी शुरू करने, किफायती बनाने, हर जगह उपलब्धता को लेकर आवश्यक नीतिगत कदमों में तेजी जरूरी है। तिरंगे के अपमान वाली तस्वीर का किसानों के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है, सरकार बोली। केंद्र सरकार ने वायरल हो रही एक तस्वीर को पुराना बताया है, जिससे यह दावा के साथ शेयर किया जा रहा है कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान भारतीय झंडे का अपमान कर रहे हैं। BIV फैक्ट चेक ने लिखा, यह तस्वीर पुरानी है, इसका हाल में चल रहे किसान प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।